तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल प्लस। और दोस्तों, दोबारा हम आपके साथ हैं आज एक नए वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वीएसडीसी वीडियो एडिटर के अंदर ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड को रिमूव करके नया बैकग्राउंड, आप अपना जो बैकग्राउंड आप चाहते हैं लगाना अपने वीडियो में इमेज के पीछे, वो आप कैसे लगाएंगे, कैसे ऐड करेंगे इसके। क्योंकि मैंने यूट्यूब पर काफी सारी वीडियोज देखी, लेकिन वहां पे कोई अच्छी वीडियोस इसके रिगार्डिंग मेरे को दिखी नहीं, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो जो है मैं अपलोड करता हूं। तो इस पूरे वीडियो में यही जानेंगे दोस्तों कि अगर आपका आप जो शूट वीडियो शूट कर रहे हैं वो ग्रीन पर्दे पे कर रहे हैं, तभी जो है आपके पीछे का बैकग्राउंड जो है प्रॉपरली हटता है, नहीं तो प्रॉब्लम होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको जाना होगा हमारे वीएसडीसी वीडियो एडिटर, मैंने ओपन कर रखा है। आपको ब्लैंक प्रोजेक्ट पे जाना होगा। यहाँ पे आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, ये सारी चीजें सही हैं, ठीक है। इस तो हम यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे। फिनिश पे क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे ये डैशबोर्ड पे वीएसडीसी के, जहां पे हम वर्क करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि एक वीडियो हमें चाहिए, तो यहाँ पे ऐड वीडियो का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ से आप एक वीडियो ऐड करेंगे। तो एग्जाम्पल दैट मैं कोई सा भी एक वीडियो ले लेता हूँ, जैसे ये वीडियो मैं ले लेता हूँ, इसे भी आप ओके कर देंगे फॉर्म कर्सर पोजीशन पे। अब ये वीडियो देखिए, यहाँ पे ये आपका आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है ये आप बैकग्राउंड जो है ये ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन पर्दे पे शूट किया हुआ है। तो अब पीछे का बैकग्राउंड हमें हटाना है, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले जो है आपको जो है ये जो आपने वीडियो यहाँ पे ऐड किया है इस पे आप एक बार क्लिक करेंगे माउस के बटन से। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना होगा ऊपर जो है व्यू के बगल में एडिटर का ऑप्शन है, एडिटर में आप जाएंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग से थर्ड वाला ऑप्शन है वीडियो इफेक्ट, इस पे आप जाएंगे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, उसमें आपको जाना होगा ट्रांसपेरेंसी में। ट्रांसपेरेंसी में आप जब माउस के कर्सर को ले जाओगे तो वहां पे आपको जो है यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ओपन होंगे दोबारा से। तो इसमें एकदम लास्ट वाला जो ऑप्शन है आपका बैकग्राउंड रिमूवर, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिंपल सा आपको ओके कर देना है। ओके मैंने कर दिया। अब यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूवर का देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है ये बन के आ गया जो येलो कलर का है। अब हमें क्या करना है कि ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब ये आप देख सकते हैं बगल में बैकग्राउंड रिमूवर सेटिंग आपका यहाँ पे दिख रहा है बाई क्रोमा की, और ये ग्रीन कलर का यहाँ पे ऑप्शन आपका एक कलर दिख रहा है, और बगल में पेन का ऑप्शन दिया हुआ है। पेन के ऑप्शन पे एक बार आपको क्लिक करना है। पेन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद बगल में थ्री डॉट्स आ जाएंगे, इस थ्री डॉट्स पे आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा, और यहाँ पे भी आपका जो है पेन का एक ऑप्शन आपका दिख रहा है, आप देख सकते हैं। इस पेन को आपको जो है क्लिक करना है माउस से, और इसे उठा के आप अपने स्क्रीन पे लाएंगे। स्क्रीन पे लाके बस इसको जो है सिंपल सा छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हम इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिये, अब जो बैकग्राउंड था पीछे का वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं ग्रीन था, अब जो है ये रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा, पीछे का बैकग्राउंड तो हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब जो है हमें इसके पीछे जो है एक अपनी इमेज ऐड करनी है, तो आप कोई अगर इमेज ऐड करनी है तो आपको इमेज एक लेनी पड़ेगी। तो अब सिंपल था, यहाँ पे इसके ऊपर जो ऐड इमेज का ऑप्शन होता है, यहाँ पे ऐड इमेज पे आप क्लिक करेंगे, और कोई सा भी इमेज आप जो भी लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड में पीछे, वो आप लगा सकते हैं। एग्जाम्पल दैट मैं ये इमेज ले लेता हूँ, और इसे हम ओपन करते हैं, ओके करते हैं। ये हमारी इमेज यहाँ पे आ गई। तो अब इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपनी स्क्रीन के रिगार्डिंग। अब ये जो है सेट हो चुका है, ठीक है। अब ये तो सेट हो गया। अब अगर हम ये प्ले करते हैं तो अभी वो शो नहीं करेगा, क्योंकि अभी जो है जो हमारा वीडियो है वो इस इमेज के पीछे है। तो अभी से वीडियो इमेज के आगे कैसे लाना है, उसके लिए सिंपल सा ऑप्शन है। यहाँ पे आप जब स्क्रीन जीरो पे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर आपका ये वीडियो है, नीचे आपका इमेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वीडियो, ये इमेज। इमेज को आप पे जो है आपको माउस का जो है आपका जो है बटन्स को आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको आप ड्रैग करते हुए ऊपर वीडियो के पास में ले जाएंगे और वहां पे छोड़ देंगे। तो अब देखिए उससे क्या होगा कि ये इमेज जो था ये इमेज ऊपर चला गया है और ये वीडियो नीचे आ गई है।
अब उसके वजह से क्या हुआ, यहां पे आप देख सकते हैं प्रीव्यू जो है, अब ये जो है इमेज के आगे आ गया वीडियो, ठीक है। तो अब सिंपल सा आपका अब सारी चीजें हो गई हैं, अब हम वीडियो को प्ले करके आपको दिखाते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से तो अब देख सकते हैं ये इमेज जो है हमारी यहाँ पे आ चुकी है बैकग्राउंड के पीछे। तो अब जो है करना क्या है कि सिंपल सी एक चीज है, यहाँ पे आपने देखा जो है ये ग्रीन ग्रीन आ रहा है यहाँ पे जो, वो इसे हटाना कैसे है। बैकग्राउंड तो मैंने लगा दिया है, सारी चीजें हमने कर ली। अब देखिए इसके लिए हमें करना क्या होता है तो सिंपल सा आपका जो ये वीडियो का है, वीडियो पे आप डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद ये जो बैकग्राउंड रिमूवर का ऑप्शन है इस पे आप जो है सॉरी इमेज पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे इस पे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे बगल में आपका जो है ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा क्रोमा की का जो है, ठीक है। तो अब देखिए इसके नीचे जो है आपके पास तीन ऑप्शन है, एक मिड ब्राइटनेस का है, एक क्रोमेट्रिक्स का है, और ये मतलब तीन ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। इन्हीं तीनों से सो आपको सेटिंग करनी है, और सेट करके जो है आप जो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन जो आ जा रहा था आपके इमेज पे उसे आप सेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दैट अगर सेट करना है आपको तो इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, ऊपर नीचे एरो अप का और डाउन का। तो हम इसे एक बार बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी कि कैसे आप इसे परफेक्ट जो है आप सही कर सकते हैं। तो इसे हम जो है फुल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, इसको हम फुल करते हैं, फुल करने पे देखते हैं क्या होता है। तो अभी भी ग्रीन आ रहा है, तो हम चलते हैं फिर लास्ट ऑप्शन पे, लास्ट वाले को हम बढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आपका ये जो है आपका कम अधिक हो रहा है, तो इसे हम यहाँ पे हम सेट करते हैं। अभी हम प्रीव्यू देखते हैं, तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे जो हाथ के पास में ग्रीन ग्रीन जो पड़ रहा था वो अब आपका नहीं पड़ रहा है, तो ये सेट हो गया है। तो आप इस प्रकार से जो है आप सेट कर सकते हैं। आप सारी चीजें करने के बाद जो है यहाँ पे आप आएंगे, आने के बाद यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसे आपको सेट करना होगा अपने अकॉर्डिंग। आप इमेज ये वीडियो को प्ले करके देखते रहिएगा कि सही हुआ नहीं हुआ, जितने पे सेट हो रहा है उतने पे इसे ओके कर दीजिएगा। तो अब ये चीजें हो गई हमारी, सारी चीजें हमारी रेडी है जो हमने क्रिएट किया था, सारी चीजें ओके हैं। तो एक बार दोबारा से प्रीव्यू हम देख लेते हैं। तो अब देखिए कोई भी आ नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है ओके है। अब हमें एक्सपोर्ट करना है, तो हमें प्रोजेक्ट पे जाना होगा, ये एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं एमपीजी में, एवीआई में, डब्ल्यूएमबी में। तो फिलहाल मैं डब्ल्यूएमबी में सेलेक्ट कर लेता हूँ। WMV सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे आपको शो करेगा, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे, ये आपके सामने एक प्रकार का ओपन हो जाएगा बॉक्स जो है। तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे अपग्रेड या ये सारी चीजें। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो वीडियो है रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा, और आप देख सकते हैं रेंडर हो रहा है, कुछ समय का टाइम लगेगा और ये आपका जो है क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वर्जन वाज कंप्लीटेड, तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हम जो है आपको प्ले करके दिखा देते हैं, ये हमारा स्क्रीन के आगे के अंदर वीडियो, हाँ तो ये यहाँ पे हमारा वीडियो यहाँ पे आ चुका है, इसे मैं प्ले करता हूँ। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो वीडियो क्रिएट हो चुका है आसान तरीके से, और सारी चीजें इसमें क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है एडिट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल हो प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे अगला कोई भी वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं दोबारा अगले वीडियो में। आज के लिए इतना दोस्तों, बाय बाय, और प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और मैं दोबारा बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हो प्लस को, जिससे कि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो को डालने से पहले, अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो बाय बाय।